सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। सेमेस्टर फाइव वालों, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है या आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो ये है कि सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम 21 तारीख को पड़ गया है। 21 तारीख को सीएमए फाउंडेशन वाले लोगों का एग्जाम है और 21 तारीख को सेमेस्टर फाइव का टैक्सेशन का भी एग्जाम है। 21 तारीख को सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम है और 21 तारीख को ही टैक्सेशन का भी एग्जाम है। अब सवाल ये है कि सीएमए फाउंडेशन का भी 21 तारीख को है, टैक्सेशन का एग्जाम भी सेम फाइव का 21 तारीख को है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो लोग सेमेस्टर फाइव में बीकॉम कैलाडा यूनिवर्सिटी में है, जिन लोग का सीएमए फाउंडेशन भी है और जिन लोग का टैक्सेशन का एग्जाम भी है। अब अगर वो फाउंडेशन देंगे तो उनको टैक्सेशन छोड़ना पड़ेगा, टैक्सेशन देंगे तो फाउंडेशन छोड़ना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा शायद एक एग्जाम का डेट था 13 तारीख को, उसको रीशेड्यूल करके 9 फरवरी किया गया था। एक नोटिस मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। तो दोस्तों, क्या प्रोबेबिलिटी सेमेस्टर फाइव का जो एग्जाम का डेट है 21 तारीख वाला, क्या वो चेंज होगा? और अगर चेंज नहीं होगा तो जो बच्चे सेम फाइव के टैक्सेशन का एग्जाम देने जाएंगे वो लोग कैसे एग्जाम देंगे, ये मेरा सवाल है। और मैं जानना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एज वेल एज जो सीएमए इंस्टीट्यूट है, आप लोग ऐसा डेट बना रहे हो, समझ नहीं आ रहा। आप लोग एक तो ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं फाउंडेशन का, तो ऑनलाइन एग्जाम लेकर के आप लोग नाटक कर रहे हैं, ऊपर से एग्जाम लेने के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, सर्वर का इतना इश्यूज है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका, फिर भी आप लोग अभी भी ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो बच्चे लोग का। सीएमए इंस्टीट्यूट वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग करना क्या चाह रहे, समझ नहीं आ रहा। अब तो एक तो सब चीज नॉर्मल हो चुका है, अब जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है तो अभी भी आप लोग ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, इतना बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा, उसके बाद फिर से आप लोग रीशेड्यूल कर रहे हो, एक बच्चा जो एग्जाम दे दिया वो लोग फिर से एग्जाम दे रहे, आप लोग ऐसा कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो भाई? सीएमए इंस्टीट्यूट वालों प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए अपना मैनेजमेंट पे, ऐसे बच्चे लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। आप ऑफलाइन एग्जाम ले सकते थे, आप लोग ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो। आप ऑनलाइन एग्जाम लिया, आपने फिर रीशेड्यूल कर दिया, रीशेड्यूल किया, सेमेस्टर फाइव का एग्जाम क्लैश कर रहा है। अब जिसका टैक्सेशन का एग्जाम है वो एग्जाम कैसे देगा? सो गाइस, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ये इंस्टीट्यूट वालों को भी पता चलना चाहिए कि आप लोग क्या मैनेजमेंट कर रहे हो। उसी दिन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में सेमेस्टर फाइव का टैक्सेशन का एग्जाम है, तो बताइए वो लोग कैसे एग्जाम देगा, प्लीज बताइए कमेंट में। आप लोग भी बताइए कि ये क्या कर रहे हैं सीएमए इंस्टीट्यूट वाला। इसमें सीयू का कोई फॉल्ट नहीं है गाइस, इसमें सीयू का कोई फॉल्ट नहीं कि सीयू का शेड्यूल बहुत दिन से बना हुआ था कि भाई 21 तारीख को टैक्सेशन का एग्जाम लेंगे। एक बार सीयू ने शेड्यूल को रीशेड्यूल किया, जो 13 तारीख वाला एग्जाम था जिन बच्चों का था, उन लोगों का एग्जाम को रीशेड्यूल किया गया है 9 फेब को, पहले ही आप लोगों को पता होगा। तो क्या 21 तारीख वाला एग्जाम भी रीशेड्यूल हो सकता है? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 21 तारीख वाला एग्जाम रीशेड्यूल हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज, क्योंकि अगर रीशेड्यूल नहीं होगा तो जो बच्चों का बीकॉम सेम फाइव का एग्जाम देने वाले हैं वो लोग कैसे अपना फाउंडेशन एग्जाम देंगे, जल्दी बताइए, प्लीज बताइए इंस्टीट्यूट वालों, प्लीज बताइए।